चलिए दोस्तों, आज हमारे पास आया सैमसंग का J8। इसका अब डिस्प्ले ख़राब हो गया जो कि बहुत बेकार कंडीशन में था। ये देखते हैं J8 मोबाइल जिसका जब हम नया डिस्प्ले लगाएंगे, तो ये मार्केट से हमको मिला था कुछ 1400 रुपया में डिस्प्ले। तो इसको डिस्प्ले सही से चेक कर रहा हूँ अभी, सब सही से काम कर रहा है कि नहीं। फिटिंग करने से पहले अच्छे से चेक करना ज़रूरी है कि फिटिंग हो गया तो बाद में अगर काम ठीक से नहीं करा तो दिक्कत है। तो आप फिटिंग करने से पहले अच्छे से चेक कर लीजिए सब कुछ बराबर टच आपका काम कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे सब कुछ टच ओके, सब बढ़िया काम कर रहा है, देख लीजिए आप। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको ग्लू डालेंगे। बढ़िया से ग्लू लगाने का ज़रूरी है क्योंकि इसमें जो है ना डिस्प्ले ज़्यादा गैप आता है। तो ये जो मोबाइल है इसमें तो बढ़िया फिटिंग आ गया, बट J2 ये वगैरह मोबाइल में ना ज़्यादा मतलब फिटिंग का गैप आता है। पर आप अगर अच्छा क्वालिटी का डिस्प्ले लेंगे तो उसमें गैप नहीं आएगा। तो ये इस डिस्प्ले का क्वालिटी अच्छा है जिसकी वजह से मेरा कोई गैप नहीं है, 0-0 था। तो इसको अच्छे तरह से ग्लू लगाएंगे चारों तरफ से। ग्लू लगाने के बाद एक बार आप डिस्प्ले रखने से पहले, फिटिंग करने से पहले फिर से एक बार चेक कर लीजिएगा, क्योंकि एक बार लग गया तो ये दिक्कत होगा बाद में खोलने के लिए, या रिटर्न भी नहीं होगा क्योंकि ग्लू लगाने के बाद रिटर्न नहीं जाता है। आप चेक कर लीजिएगा हर मतलब एक बार नहीं, दो बार नहीं, चाहे तो बार बार चेक कर लीजिए, पर एक बार ग्लू लग गया तो ये वापस रिटर्न नहीं लेता ये लोग। तो ये बढ़िया से काम किया, अभी सब कुछ ग्लू लगाया अच्छे तरह से। पीछे का एक सील रहेगा उसको निकाल दीजिए, फिर अच्छे तरह से चारों तरफ देख लीजिएगा फिटिंग होने के बाद। ये बढ़िया फिटिंग भी आ गया, फिर से एक बार चेक कर रहा हूँ, ये ओके था। तो इसमें फिर रबर बैंड डाल दीजिए। रबर बैंड लगाने के बाद साइड में जो हल्का हल्का ग्लू आ गया उसको भी साफ करना ज़रूरी है। तो अच्छे तरह से ग्लू साफ करेंगे अभी। साफ करने के बाद फिर दिखाते हैं आपको। ये देखो क्लीन हो गया, अच्छे तरह से क्लीन हो गया, पूरा क्लीन हो गया, ताकि कस्टमर को ना लगे कि यार फिटिंग अच्छा नहीं है, क्वालिटी अच्छा नहीं है। तो उसके लिए बढ़िया से क्लीन करिए, फिर से एक बार चेक किया, 100% वर्किंग है, बढ़िया है, इसका क्वालिटी भी अच्छा है।